हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाउन क्लास का प्रयोग करके और एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन टॉपिक पर मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें पहले वॉच कर लीजिए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एश्वेन, जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें, इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैं बोर्ड पर पहले से ही सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूं ताकि आपका जो नोट्स है वह आसानी से तैयार हो जाए। पिछले कई वीडियोस से मैं यही प्रोसेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपका जो नोट्स है वह आसानी से तैयार हो जाए। आई होप आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो रहा होगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है एडवर्ब क्लास के अंतर्गत हमें टाइम अर्थात समय, प्लेस अर्थात स्थान, रीजन अर्थात कारण, कंडीशन अर्थात शर्त, कंपैरिजन अर्थात तुलना, कॉन्ट्रास्ट अर्थात विरोध, रिजल्ट अर्थात परिणाम, पर्पज अर्थात उद्देश्य व मैनर अर्थात ढंग का भाव देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एडवर्ब क्लास के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो मैंने बताया टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज व मैनर, इनका भाव आपको देखने को मिल जाता है एडवर्ब क्लास के अंतर्गत। तो अगर आपको इनमें से कोई भाव मिलेगा तो आपको इन्हीं के अंतर्गत जो कंजक्शन यूज होते हैं उनका प्रयोग करना होगा, उन्हें मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है अतः भाव के अनुसार एडवर्ब क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब क्लास में आपको जो कंजक्शंस देखने को मिलता है सिंपल सेंटेंस में जिस तरह का भाव आएगा उसी के अकॉर्डिंग एडवर्ब क्लास में आपको कंजक्शंस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। तो चलिए एडवर्ब क्लास के अंतर्गत किस भाव के लिए कौन कौन से कंजक्शन है मैं उनको आपको बता देता हूँ। जैसे समय का भाव आएगा तो कौन कौन सा कंजक्शन आप यूज कर सकते हैं, स्थान का भाव आएगा तो कौन कौन सा कंजक्शन यूज कर सकते हैं। चलिए इन सारी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। सारे कंजक्शंस मैंने ऑलरेडी सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत बताया हुआ है, चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यदि सिंपल सेंटेंस में समय का भाव मिलता है तो हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस में समय का भाव दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि नहीं सिंपल सेंटेंस में समय का भाव उजागर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम वाले कंजक्शन का प्रयोग करना होगा हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम से संबंधित जो प्रमुख कंजक्शन है वह है एज, सून, एज है जिसका हिंदी अर्थ होता है जो ही, नो सूनर, इसके साथ आपका डू, डज, डिड, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है जैसा आपका टेंस रहेगा, उसके बाद देन आता है। आप आफ्टर कंजक्शन यूज कर सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं, टिल, अनटिल, व्हेन, ईटीसी अर्थात ये जो इंपॉर्टेंट थे मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको पूरा चाहिए तो आप सिंथेसिस टॉपिक को वाच कीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन सारे कंजक्शंस को आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा जो कि एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम अर्थात सिंपल सेंटेंस में अगर आपको समय का भाव दिखाई देगा तो आप इन कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लास की सहायता से। तो चलिए इसके आगे जो और भी इंपॉर्टेंट कंजक्शन है उनको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला है यदि सिंपल सेंटेंस में स्थान का भाव मिलता है तो हम एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। तो कहने का मतलब है अगर आपको सिंपल सेंटेंस में स्थान से संबंधित अगर आपको भाव देखने को मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस से संबंधित कंजक्शन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेयर है और वेयर इवर जिसका हिंदी अर्थ होता है जहाँ कहीं। इसके बाद अगला देखते हैं यदि सिंपल सेंटेंस में कारण का भाव मिले तो हम एडवर्ब क्लास शोविंग रीजन से संबंधित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। तो कहने का मतलब यह है ये जो आपका सिंपल सेंटेंस दिया है उसमें आपको कारण का भाव दिखाई दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको एडवर्ब क्लास शोविंग रीजन से संबंधित कंजक्शन का प्रयोग करना होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो कौन कौन से हैं, तो आपका बिकॉज है जिसका हिंदी अर्थ होता है क्योंकि, सिंस है जिसका हिंदी अर्थ होता है चूंकि, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं
यदि सिंपल सेंटेंस में शर्त का भाव मिले तो एडवर्ब क्लाज शोविंग कंडीशन से संबंधित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है, आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं कंडीशन के लिए या फिर अनलेस। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका जो सिंपल सेंटेंस दिया है उसमें आपको शर्त का भाव दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि नहीं इसमें शर्त रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे तो एडवर्ब क्लाज शोविंग कंडीशन से संबंधित जो कंजक्शन है उनका प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया कि कौन कौन से कंजक्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला है यदि सिंपल सेंटेंस में तुलना का भाव मिले तो एडवर्ब क्लाज शोविंग कंपैरिजन से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो आपका एज डॉट एज है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा, सो डॉट एज है जो कि निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग होगा, देन जिसका हिंदी अर्थ होता है कि अपेक्षा, यह भी आपका तुलना के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जो सिंपल सेंटेंस दिया है उसमें आपको तुलना दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कंपैरिजन किया गया है सिंपल सेंटेंस में, तो ऐसी स्थिति में आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो एडवर्ब क्लाज आप कंपैरिजन से संबंधित आपको कंजक्शन प्रयोग करने होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इन सारे कंजक्शंस को अच्छी तरह से माइंड कर लेंगे। इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट कंजक्शन है उनको भी हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला है यदि सिंपल सेंटेंस से विरोध का भाव मिले तो एडवर्ब क्लाज शोविंग कॉन्ट्रास्ट से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका दिया हुआ सिंपल सेंटेंस है अगर आपको उससे विरोध का भाव दिखाई दे रहा है तो आपको एडवर्ब क्लाज शोविंग कॉन्ट्रास्ट से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करना होगा। तो कौन कौन से कंजक्शन है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो इंपॉर्टेंट है आपका 2.8 है या फिर आप आल्दो 2.8 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यदि सिंपल सेंटेंस में परिणाम का भाव मिले तो एडवर्ब क्लाज ऑफ रिजल्ट से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका दिया हुआ सिंपल सेंटेंस है अगर आपको उससे रिजल्ट अर्थात परिणाम का भाव दिखाई दे रहा है तो आपको एडवर्ब क्लाज ऑफ रिजल्ट से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है आप सो डॉट दैट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है इतना डॉट की, ठीक है। अगर आपको परिणाम का भाव दिखाई दे रहा है सिंपल सेंटेंस में तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इस कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यदि सिंपल सेंटेंस से उद्देश्य का भाव मिले तो एडवर्ब क्लाज शोविंग पर्पस से संबंधित कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें अगर आपको उद्देश्य का भाव दिखाई दे रहा है तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लाज शोविंग पर्पस से संबंधित कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। तो कौन से कंजक्शंस हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है आपका सो दैट है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ताकि, तो सो दैट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो मे का यूज करेंगे और पास्ट टेंस है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आपका लिस्ट है जिसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो लिस्ट के साथ भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग करना होता है, ये चीज़ आप माइंड रखिएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करने का आगे आपको प्रयास करूँगा और एक्सरसाइज भी कराऊँगा, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा इसका एक्सरसाइज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यदि सिंपल सेंटेंस से किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका का भाव मिले तो एडवर्ब क्लाज शोविंग मैनर से संबंधित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका सिंपल सेंटेंस दिया है उसमें किसी कार्य को करने का ढंग बताया गया हो या मैनर दिखाया गया हो तो ऐसी स्थिति में आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एडवर्ब क्लाज शोविंग मैनर से संबंधित कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंजक्शन है वह है एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है जैसे या की तरह। तो स्टूडेंट्स यह थे एडवर्ब क्लाज के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं और यह किस भाव के लिए प्रयोग किए जाएंगे, बस यही चीज़ें आप माइंड रख लीजिए और आसानी से आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एडवर्ब क्लाज की सहायता से। तो इन्हें और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको शो किए हैं, इन्हें मैं आपको स्पष्ट करूँ अच्छी तरह से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने जाएं एडवर्ब क्लाज की सहायता से, सबसे पहले आप देखें कि सिंपल सेंटेंस में किसका भाव आ रहा है, उसी भाव के अनुसार आपको एडवर्ब क्लाज में प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। चलिए इन्हें अच्छी तरह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है सिंपल सेंटेंस का, वी गेट अप एट सनराइज, हम लोग सूर्योदय पर उठते हैं या सूर्य उगने के समय उठते हैं। तो जाहिर सी बात है समय का बोध है, तो हम लोग समय का बोध कराने वाले जो एडवर्ब क्लाज में कंजक्शन है उनका प्रयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वी गेट अप, हम लोग उठते हैं, वेन मतलब जब, देखिए यही समय का बोध करा रहा है, द सन राइजेज यानी सूर्य उगता है,
वी गेट अप, हम लोग उठते हैं। वेन मतलब जब द सन राइजेस, सूर्य उगता है, तो सूर्य से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को माइंड रखिएगा। तो समय की बात थी इसलिए हम लोगों ने कंजक्शन वेन का प्रयोग किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेहरू वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, नेहरू वाज रिस्पेक्टेड, नेहरू को सम्मान मिला, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, नेहरू को प्रत्येक जगह सम्मान मिला। तो यहाँ पर स्थान से संबंधित भाव देखने को मिल रहा है, तो हम लोग एडवर्ब क्लाज में स्थान के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, नेहरू वाज रिस्पेक्टेड, नेहरू को सम्मान मिला, वेयर इवर जहाँ कहीं, ही वेंट वह गए, अर्थात नेहरू जहाँ कहीं गए उन्हें सम्मान मिला। तो वेयर इवर यहाँ पर हमारा स्थान के लिए कंजक्शन प्रयोग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओविंग टू इलनेस, बीमारी के कारण रवि कुड नॉट गो टू कॉलेज, रवि कॉलेज न जा सका। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको कारण दिखाई दे रहा है, तो कारण के लिए एडवर्ब क्लाज में जो प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शन है वो बिकॉज हैं और सिंस हैं, यही मैक्सिमम प्रयोग किए जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, रवि कुड नॉट गो टू कॉलेज, रवि कॉलेज न जा सका बिकॉज, क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें परिणाम भी निकल जा रहा है कि वह बीमार था इसी वजह से इसको कॉलेज नहीं गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, रवि वाज सो इल, रवि इतना बीमार था दैट की ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, कि वह कॉलेज नहीं जा सका। आप ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि परिणाम आपको लास्ट में देखने को मिल जा रहा है कि वो कॉलेज नहीं गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। अच्छे मार्क्स कब प्राप्त करोगे, शर्त है कि कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आप यहाँ पर शर्त का भाव दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, यदि तुम अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, यू मस्ट वर्क हार्ड, तो तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन के लिए हमारा जो शर्त के लिए कंजक्शन इफ है उसका प्रयोग किया गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अर्थात अगला क्वेश्चन है, सी इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन, सी इज टू यंग, वह अत्यधिक छोटी है टू ट्रैवल अलोन, अकेले यात्रा करने को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आसानी से इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए वह इतनी छोटी है कि अकेले यात्रा नहीं कर सकती है, यानी छोटी है अकेले यात्रा नहीं कर सकती है, तो रिजल्ट यह निकला कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती है। इस वजह से हम लोग इस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, सी इज सो यंग, वह इतनी छोटी है दैट की सी कैन नॉट ट्रैवल अलोन, कि वह अकेले यात्रा नहीं कर सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा, केवल आपको यही ध्यान देना है कि सिंपल सेंटेंस में किसका भाव आ रहा है और उसी के अनुसार एडवर्ब क्लाज में प्रयोग की जाने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से हम लोग समझ सकें। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेस ही इज नॉट हैप्पी, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेस, अपनी संपूर्ण संपत्ति के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है। तो इसमें विरोध का भाव है, इस वजह से एडवर्ब क्लाज शोविंग कॉन्ट्रास्ट से संबंधित कंजक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है एट, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है। तो दो डॉट एट यह हमारा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, विरोध दिखाता है, इस वजह से यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हमारा प्रयोग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम पीपल लिव टू ईट, सम पीपल लिव, कुछ लोग जीवित रहते हैं, टू ईट मतलब खाने के लिए। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से बनेगा, सम पीपल कुछ लोग, लिव मतलब जीवित रहते हैं, सो दैट ताकि दे मे ईट वे खा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं उद्देश्य है खाना, यहाँ पर देख सकते हैं टू ईट खाना जो है वह उद्देश्य है। तो उद्देश्य के लिए हम लोग जो कंजक्शन प्रयोग करते हैं सो दैट, और उसके साथ आपका मे या माइट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रेजेंट टेंस था, इस वजह से यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ, अगर पास्ट टेंस होता तो माइट का प्रयोग होता, ठीक है। तो सम पीपल लिव, कुछ लोग जीवित रहते हैं, सो दैट ताकि दे में ईट वे खा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द बॉय, सभी लड़कों, ऑफ ऑल द बॉय, सभी लड़कों का, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, राम सबसे बुद्धिमान, सभी लड़कों में राम सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पर तुलना किया गया है, तो हमारा जो एडवर्ब क्लाज शोविंग कंपैरिजन से संबंधित कंजक्शन है उसका प्रयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट, यानी कोई दूसरा लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है एज राम, जितना कि राम। तो सो डॉट एज का प्रयोग किया गया क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, वह मेरे निर्देशों के अनुसार कार्य किया। तो यहाँ पर कार्य करने के ढंग को बताया गया है कि मेरे निर्देशों के अनुसार उसने कार्य किया। तो जो हमारा एडवर्ब क्लाज शोविंग मैनर में प्रयोग किया जाने वाला कंजक्शन है उसका प्रयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ही एक्टेड, उसने कार्य किया, एज, जैसा कि, आई हैड इंस्ट्रक्टेड हिम, जैसा कि मैंने उसे निर्देश दिया था।
तो स्टूडेंट्स बस आपको यही देखना है कि सिंपल सेंटेंस में किसका भाव है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंजक्शन यूज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। केवल आपकी सोच पर यह डिपेंड है और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कंजक्शन प्रयोग होगा भाव के अनुसार, जैसा कि सिंपल सेंटेंस में आएगा। बस यही चीज़ें आपको बस माइंड रखना है और अपने माइंड का यूज करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो स्टूडेंट जाते जाते यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है और आपको इसका जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। और वह क्वेश्चन है, ही वॉज अब्सेंट ड्यू टू इलनेस, वह बीमारी के कारण अनुपस्थित था। तो आपको इस सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।